एक ओपेरा सिंगर से अबसेस्ड एक सीरियल किलर जिसको भी मारता है तो उस लड़की को ये देखना पड़ता है। ये किलर इसके आसपास ही है, पर ये कौन है ये आज की मूवी में हम देखेंगे। आज की मूवी ओपेरा ये 1987 की थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है। तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखता है कि ओपेरा के लिए सब कुछ रेडी किया जा रहा है। यहाँ पर एक बड़ी सी सिंगर होती है, इसके स्टेज पर कौवे आ जाते हैं तो इससे बहुत ही चिढ़ जाती है। ये फिर चिढ़कर ही अपने होटल में जा रही होती है। जब वह बाहर निकलती है तो इसके फैंस इसके पीछे होते हैं, इसके फोटोज वगैरह वो निकालने चाहते हैं। इसका ध्यान नहीं होता तो रास्ते में इसका पैर एक गाड़ी के नीचे आ जाता है। आज ये ओपेरा में नहीं गा सकती तो एक बैकअप सिंगर होती है, उसे फिर कॉल आता है कि आज तुम्हें ओपेरा में गाना है। इसे बिलीव नहीं होता, इसे लगता है कि ये एक जोक है। थोड़ी देर में इसकी एजेंट इसके पास आती है, वो उसे गुड न्यूज़ देती है। अब यह फोन करने वाला कौन था यह इसे मालूम नहीं है। यह जो बैकअप सिंगर है इसका नाम है बेटी। ये न्यूज़ सुनकर बेटी बहुत ही परेशान हो जाती है, वो अचानक घबराने लग जाती है। वो कहती है कि मैं कैसे गा सकती हूँ, अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका जो रोल होता है ये मैकबेथ का होता है। मैकबेथ का रोल एक बैड लक रिप्रेजेंट करता है। उसके एजेंट कहती है कि तुम बहुत ही तुमने मेहनत की है इस रोल के लिए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम लूज मत करो, तुम अच्छे से कर सकती हो, तुम्हारे करियर के लिए ये बहुत ही बड़ा ब्रेक हो सकता है। वहाँ फिर शो का प्रोड्यूसर वगैरह आता है और इसे मोटिवेट करता है कि वो कर सकती है। बेटी का बॉयफ्रेंड भी यहाँ होता है, वो भी इसे मोटिवेट करता है। ओपेरा स्टार्ट होता है और बेटी गाना स्टार्ट कर देती है। ये बहुत ही ब्यूटीफुली सिंग कर रही होती है, ये बहुत ही सही से ये सब ओपेरा ये शो चल रहा होता है। तभी हमें दिखता है कि ये जो हॉल है इसके कॉरिडोर से एक आदमी चल रहा है, ये सबसे ऊपर के फ्लोर पर आ जाता है। वहाँ पर एक आदमी होता है जो उसे कहता है कि तुम यहाँ नहीं रुक सकते, इस आदमी को यहाँ होना अलाउड नहीं है, यह जो है ये हमारा किलर है और ये कौन है इसका फेस वगैरह हमें कुछ भी पता नहीं है। जो स्टाफ इसे मना कर रहा था इसका सर टकरा कर इसका मर्डर वो यहाँ कर देता है। ये करते वक्त एक बड़ा सा लाइट वो नीचे गिरा देता है। ये इंसिडेंट होने के बाद सब लोग यहाँ डर जाते हैं, ये जो शो है ये डिस्टर्ब हो चुका है। बेटी का प्रोड्यूसर उसे कहता है कि स्टार्ट कर दो, तुम ये कर सकती हो। जब बेटी गाना स्टार्ट करती है तो सब लोग फिर से अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। जब ये शो खत्म हो जाता है तो उसका प्रोड्यूसर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें लगा था कि मैकबेथ का रोल एक बैड लक है, पर आज जो इंसिडेंट हुआ है इसका ऐसा मतलब नहीं कि ये बैड लक ही होता है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तुम इस सुपर स्टेशन में तुम्हें नहीं रहना चाहिए। जिस ओरिजिनल सिंगर का पैर टूट गया था इसे बहुत ही जेलस हो चुकी होती है। बेटी का बहुत ही शो सक्सेसफुल हो गया है तो वो बड़ी सिंगर बन जाएगी, सब उसे बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक सूट बूट में आदमी आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत ही बड़ा फैन हूँ। बेटी का यह पहला फैन है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है, इसके लिए इसने एक फूल लाया होता है। बेटी एक्सेप्ट करती है और कहती है कि क्या तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए। ये आदमी फिर उसे ऑटोग्राफ ले रहा होता है तभी इसे पुकार लिया जाता है, ये एक्चुअल में एक डिटेक्टिव होता है। बेटी अब इस पर चिढ़ जाती है, उसे लगता है कि इसको ऑटोग्राफ लेने के लिए नहीं आया था, इससे पूछताछ करने के लिए डिटेक्टिव आया था। ये बहुत ही एम्बेरस्ड फील करती है, गुस्से में ये दार बंद कर लेती है। इसका बॉयफ्रेंड फिर इससे मिलने आता है, वो उसे कहता है कि मैं बहुत ही लास्ट में तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहा हूँ, अब तो तुम बड़ी सिंगर बन चुकी हो। उसे लगता है कि अब इनमें दूरियां आ जाएंगी। ये फिर बेटी को किस करता है। यहाँ पर ओरिजिनल जो सिंगर थी उसने बेटी का प्रोग्राम देखा है, उसके लिए वो एक गिफ्ट भेजती है। इस गिफ्ट के साथ एक नोट होती है और इसमें बेटी को स्नेक पुकारती है। बेटी को जो गिफ्ट मिला होता है ये दारू की बोतल जैसा होता है, इसे पता नहीं होता कि ये क्या है तो इस सिंग में इसे डाल देती है। अब हम देखते हैं कि जो सीरियल किलर है इसने बेटी को टीवी पर देखा है, इसके ड्रेस से वो ऑब्सेस्ड हो जाता है, इसका ड्रेस इसे पसंद नहीं आता। रात में वो ओपेरा हाउस में पहुंच जाता है। बेटी का ड्रेस जिस रूम में होता है इसके आसपास बहुत सारे कौवे केज में रखे हुए होते हैं। किलर फिर बेटी का ड्रेस चीर देता है। ये जो कौवे थे ये किलर को देखकर बहुत ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये अपने केज से बाहर निकलते हैं और इस पर वो हमला बोल देते हैं। ये किलर बहुत सारे कौवों को यहाँ मार देता है। वहां पर कोई चेक करने के लिए आता है, वो जल्दी से वहां से निकल भी जाता है। इसके बाद हम बेटी और उसका बॉयफ्रेंड देखते हैं। उसके बॉयफ्रेंड ने उसका अंकल का एक बहुत बड़ा मैंशन होता है उसमें उसे लाया हुआ होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने वाले होते हैं, पर बेटी कहती है कि मेरा आज मूड नहीं है। ओपेरा सिंगर्स का तो हमेशा मूड होता है, ये उस टाइम एक मिथ था कि ओपेरा सिंगर हमेशा स्टेज पर जाने से पहले इंटीमेट होते हैं, इससे उनकी वॉइस रिलैक्स होती है। बेटी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटी का बॉयफ्रेंड फिर ये मान जाता है, ये उससे चाय कॉफ़ी के लिए पूछता है। ये चाय बनाने के लिए जब जा रहा होता है तो ये रूम लॉक हो जाता है। बेटी के पास किलर आता है, बेटी को किलर जकड़ लेता है, उसके हाथ पैर सब कुछ बांध देता है। ये किलर इसे खड़ा करता है और एक पोल से बांध देता है, इसके आँख के नीचे ये पिंस लगाता है, यानी कि ये जो सब करेगा ये उसे देखना पड़ेगा।
या अपनी आईज क्लोज नहीं कर सकती। बेटी का बॉयफ्रेंड जब वहां आता है तो पीछे से आकर किलर उसे मार देता है। ये सब कुछ बेटी को देखना पड़ता है। ये बहुत ही डर चुकी होती है। इसे क्या करना है, कहाँ जाना है, इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये किलर वहां से फिर मर्डर करके निकल जाता है। ये भागते भागते पेफोन तक आती है और ये मर्डर रिपोर्ट कर देती है। टीवी शो का जो प्रोड्यूसर था इसे वो कॉल लगाती है। ये दोनों गाड़ी में बात करते हैं। प्रोड्यूसर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड के साथ ट्रबल हुआ है। ये बहुत ही डिस्टर्ब होती है और कहती है कि कहाँ से तुम्हें ये आइडिया मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी अभी जो हुआ है ये इसकी बात नहीं करना चाहती। ये बहुत ही डिस्टर्ब होती है। प्रोड्यूसर कहता है कि बात करोगे तुम्हें अच्छा लगेगा, कभी ना कभी तो तुम्हें बात करनी ही पड़ेगी। बेटी को उसके घर पर ये छोड़ देता है और इसके घर पर ये बात करते हैं। बेटी उसके साथ जो सब हुआ है ये सब उसे बताती है। ये प्रोड्यूसर जब खिड़की से देखता है तो खिड़की से इसके घर पर कोई नजर रख रहा होता है। ये बेटी को कहता है। जब बेटी उठकर देखने लग जाती है तो वहां से ये भाग गया होता है। ये प्रोड्यूसर को घर जाना होता है तो बेटी को कहकर जाता है कि सब कुछ डोर्स वगैरह तुम बंद कर लो, तुम अंदर सेफ रहोगी। बेटी अपने हॉल में कुछ आदमी को देखती है, उसे बहुत ही सस्पिशियस लगता है। उस आदमी के साथ एक औरत होती है, उसे वो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये औरत कहती है कि मैं तो यही रहती हूँ। बेटी अब जरा चैन की सांस लेती है और अंदर आ जाती है। हमें बेटी के रूम में दिखता है कि वहां एक जालिया होती है, इससे उसे कोई देख रहा होता है। बेटी डिस्टर्ब होकर रोने लग जाती है। प्रोड्यूसर जब घर आता है तो उसके बहुत सारे रिव्यूज पेपर्स में आए हुए होते हैं। ये जो प्रोड्यूसर था ये हॉरर मूवीज डायरेक्ट करता था। इसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि आज रिव्यू बैड आए हैं तो फिर भी तुम इतने खुश हो। इसे लगता है कि बेटी को पसंद करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रोज जो मर चुके थे और जो इंसिडेंट यहाँ हुआ है इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस वगैरह आ चुके हैं। जो आदमी मरा है इसके बारे में पुलिस पूछता है कि लास्ट टाइम तुमने कब उसे देखा था। ज्यादा कुछ लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता। ये जो लोग यहाँ होते हैं तो ये सुपरस्टिशियस होते हैं। इन्हें लगता है कि मैकबेथ जो सिंगिंग ओपेरा कर रहे हैं ये कर्स्ड है, इसी वजह से ये सब हो रहा है। जो आदमी मरा था इसको बेटी ने देखा था। डिटेक्टिव को बेटी की इन्वेस्टिगेशन करनी होती है पर वो कर नहीं पाता, बेटी उससे आज मिल नहीं पाती। बेटी जब ओपेरा पर आती है तब उसका ड्रेस खराब हो चुका है, उसे पता चलता है। बेटी का जो ड्रेस होता है इसे उसकी टेलर फिक्स करना चाहती है। उसे कहती है कि जो यहाँ की ज्वेलरी है ये सब इंटैक्ट है, इस ड्रेस को सही से कर सकती है। बेटी यहाँ से निकलती है और अपने मैनेजर को कॉल करती है, उसे जो सब उसके साथ हो रहा है ये सब बता देती है। उसकी मैनेजर उसे कहती है कि पुलिस को तुम जल्दी से ये सब बता दो। मीनवाइल इसकी मैनेजर इसे मिलने के लिए इसके घर आने वाली होती है। बेटी फिर से उसके टेलर के पास आती है। ये टेलर उसे कहती है कि यहाँ पर मुझे बहुत ही अजीब चीज लगी है, जो किलर था इसका ब्रेसलेट इस ड्रेस पर लग गया था। जब वो इस ड्रेस को कट कर रहा था तभी उसका ब्रेसलेट इस ड्रेस पर गिर गया था। इस ब्रेसलेट पर डेट वगैरह होती है। ये टेलर अलग रूम में जाती है और ये देख रही होती है, तभी जो किलर था ये वहां पहुंच जाता है। ये बेटी को फिर से बांध देता है, इसके आंखों पर भी पिंस लगा देता है, यानी कि सब कुछ उसे देखना पड़े। जब ये टेलर वहां आती है तो वो देख लेती है कि यह किलर है। वो बड़ी सी एक आयरन लेती है और किलर के सर पर डाल देती है। ये यहां से भाग रही होती है तो किलर उसे आयरन से ही मारता है। ये फिर किलर को मारकर उसे बेहोश कर देती है। ये जब उसका मास्क निकालती है तब वो बोलने वाली होती है कि ये कौन है, तभी ये किलर इसका गला पकड़ लेता है। जो किलर का ब्रेसलेट था ये उसने निगल लिया था। किलर इसके थ्रोट से निकालता है। बेटी को फ्री कर कर फिर वो वहां से निकल जाता है। अब हमें दिखता है कि बेटी के अपार्टमेंट पर पुलिस ऑफिसर उससे मिलने के लिए आया है। वो उससे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है पर उससे कुछ बात नहीं कर रही होती है। इसका हाथ जब वो देखता है तो इंजर्ड है ये उसे लगता है। उसे जबरदस्ती पूछता है कि ये कैसे तुम्हें हुआ है, इसके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन तुम मुझे दो। बेटी उसे कहती है कि जो सब हुआ है इसके बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती। डिटेक्टिव कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये सब कुछ उसे बोल देती है। वो क्या क्या कर रहा है, किन किन लोगों को उसने मार दिया है, ये सब वो डिटेक्टिव को पता चल जाता है। डिटेक्टिव उसे कहता है कि तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए मैं एक पुलिस ऑफिसर आज भेजूंगा, तुम्हें ज्यादा कुछ वरी करने की जरूरत नहीं है। ओपेरा के यहाँ टेलर का मर्डर हो चुका है, वहां डिटेक्टिव चला जाता है। बेटी की आंख को तकलीफ हो रही होती है तो आंख में ड्रॉप्स वगैरह डालती है। यहाँ पर डिटेक्टिव का फ्रेंड आ जाता है, वो बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ आया हुआ होता है। बेटी के आंख में ड्रॉप होते हैं पर उसका नाम सही होता है तो इसलिए उसे वो अंदर आने देती है, इसे वो सही से देखती नहीं। ये फिर अपने मेडिटेशन की जो सीडी होती है ये चालू कर देती है और रिलैक्स करती है। उसकी एजेंट उसे मिलने आने वाली थी या फिर वहां आ जाती है। बेटी उसके साथ जो सब हो रहा है ये सब कुछ उसे बताती है। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस यहाँ आया हुआ है ये भी उसे बताती है। इसकी एजेंट फिर कंफ्यूज हो जाती है, इसके एजेंट ने नीचे भी एक पुलिस ऑफिसर को देखा था तो वो पुलिस ऑफिसर कौन था। अब वे दोनों बहुत ही डर जाती है।
अभी डिसाइड नहीं कर पाती कि घर में इन्हें रहना है, क्योंकि जो डायरेक्टिव घर में आ चुका है वो सही का डायरेक्टिव है या नीचे जाना है। अगर ये नीचे गई और किलर रहा तो ये भी ट्रबल में हो सकती है और घर में भी ये नहीं रह सकती है। ये अंदर जाती है और किसी को फोन करना चाहती है, पर ये जो फोन है ये डिटेक्टिव के रूम में है। अगर वो वहां गए तो उन्हें मार सकता है। ये फिर डिसाइड करती है कि इन्हें किचन में छुप जाना चाहिए। ये अपने आप को लॉक वगैरह कर लेती है। ये जब किचन में होती है तब इन्हें सुनाई देता है कि जो उनके घर में है उसे कुछ मैसेज मिल चुका है। ये अब दरवाजा ओपन कर कर वहां से बाहर निकल जाता है। ये डरते हुए किचन से बाहर निकलती है। बेटी जल्दी से अंदर जाती है और फोन लगाने की कोशिश करती है। इनके डोर पर एक नॉक आती है। बेटी की एजेंट इस आदमी से क्वेश्चन पूछने लग जाती है। वो कहती है, पहले तुम कौन हो, इसे तुम प्रूफ करो। जो डायरेक्टिव डोर पर होता है ये उसे अपनी आइडेंटिफिकेशन दिखाता है, अपना बैज उसे दिखाता है। बेटी की मैनेजर कहती है कि ऐसा तो कोई भी बनवा सकता है, वो सर बिलीव नहीं कर रही होती। ये इस डायरेक्टिव का फेस देखती है। ये उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें तो कहीं देखा है, अपना चेहरा मुझे दिखाओ। जब वो डोर होल से देख रही होती है तो जो आदमी डोर के पीछे है वो गन लेता है और इसको इस गन से मार देता है। इसके आँख पर ये बुलेट लगती है। बेटी अब बहुत ही डर जाती है। जो किलर है वो उसे कहता है कि दरवाजा ओपन कर दो, वैसे भी मैं घर में आने ही वाला हूँ। बेटी घर में बहुत ही डर जाती है और जो उसके पास नाइफ वगैरह होती है ये सब वो ले लेती है। घर में किलर घुस जाता है और यहाँ वो छुप गई होती है। जो एक्चुअल डिटेक्टिव उसे बचाने के लिए आया था उसकी डेड बॉडी किलर घर में ला देता है। बेटी जब इसे देखती है तब उसे मालूम होता है कि जो फर्स्ट डिटेक्टिव आया था ये सही का डिटेक्टिव था। इस डिटेक्टिव के पास गन होती है। बेटी ये गन उठा लेती है। किलर अब उसके पास आ रहा है तो उस पर गोलियां चलाने लग जाती है। बेटी ने अपनी लाइफ में कभी गोलियां चलाई नहीं होती तो सही से ये निशाना नहीं लगा पाती। किलर इसे अब मारने वाला होता है तभी बेटी के रूम में जो जालियां होती है ये ओपन हो जाती है। यहाँ पर एक छोटी सी लड़की होती है। ये बेटी को जानती है और कहती है कि जल्दी से यहाँ तुम अंदर आ जाओ। एयर सर्कुलेशन के लिए जो वेंट्स थे इसकी ये जालियां थी। बेटी को यहाँ से वो बचा लेती है। इस लड़की से बेटी पूछती है कि क्यों तुम यहाँ थी। ये लड़की कहती है कि मेरे पेरेंट्स जब भी झगड़ा करते हैं तब मैं यहाँ इस वेंट्स में आ जाती हूँ। मैं हमेशा तुम्हें देखती रहती हूँ, तुम्हारा वॉइस बहुत ही ब्यूटीफुल है। इस लड़की ने इसे हेल्प की है तो बेटी इसकी बहुत ही थैंकफुल होती है। ये लड़की बहुत ही क्लेवर है ऐसा उसे कहती है। बेटी फिर अपने नेबर के घर से वहां से निकल जाती है। बेटी अब अकेला नहीं रहना चाहती है, वो डायरेक्टली ओपेरा के यहाँ आ जाती है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं तो उसे यहाँ कोई हर्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ उसका प्रोड्यूसर भी होता है। उसके प्रोड्यूसर को कहती है कि मैं स्टूडियो में सोने वाली हूँ। ये प्रोड्यूसर कहता है कि तुम्हें ज़्यादा वरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने एक तरीका ढूंढा है जिससे किलर अब पकड़ा जाएगा। अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए वो ओपेरा हाउस में बहुत सारे चेंजेस कर रहा होता है। रात में बेटी को एक सपना आता है। इस सपने में भी किलर जिस तरह से लोगों को मारता है इसी तरह से कोई मार रहा है ये उसे दिखता है। बचपन से इसे ये सपने आते थे, जो सब उसकी इमेजिनेशन थी वो एक्चुअल में अब रियल हो चुकी है। इसे बहुत ही डर चुकी होती है। अपने मैनेजर को भी इसने बताया था पर ये कुछ फिगर आउट नहीं कर पाई थी। आज रात वो सेफ रहती है, कल ओपेरा स्टार्ट हो जाता है। ओपेरा स्टार्ट होने के बाद पूरा हॉल उसे सुन रहा होता है। यह बहुत ही अच्छा सा शो चल रहा होता है तभी स्टेज में से एक बड़ा सा केज आ जाता है। इसमें बहुत सारे कौवे होते हैं। इन कौवों को फिर फ्री किया जाता है। ये पूरे हॉल में घूमते हैं। एक कौवे जो किलर था इसको स्पॉट कर सकते हैं। हॉल में सब जगह वो देखते हैं और इसके बाद इन्हें पता चल जाता है कि किलर कौन है। ऑडियंस में जो डिटेक्टिव था यही किलर था। यह डिटेक्टिव पर झपक पड़ते हैं, उसकी आँख दबोच लेते हैं। इसकी एक पूरी आँख खराब हो जाती है। सब लोग जब भाग रहे होते हैं तब इसमें डिटेक्टिव भी भाग जाता है। बेटी अपने रूम में आ जाती है। उसके पास प्रोड्यूसर आता है। प्रोड्यूसर कहता है कि मैंने किलर को ढूंढ लिया है, ये डिटेक्टिव ही था। बेटी कहती है को ऐसा क्यों करेगा। अचानक से डिटेक्टिव वहां जाता है। ये इस प्रोड्यूसर को घायल कर देता है। बेटी को उठाता है और एक जगह पर लेकर आता है। उससे वो कहता है कि तुम तुम्हारी मदर जैसी दिखती हो, मैं जो सब वायलेंस कर रहा हूँ तुम्हारे मदर ने ही मुझे सिखाया है। ये जो है ये उसकी मदर का स्लेव था। किलर जो सब करता है यानी कि लोगों को मारता है और बेटी को देखने के लिए मजबूर करता है, इसी तरह से बेटी की मदर लोगों को मारती थी और इस डिटेक्टिव को देखने के लिए मजबूर करती थी। ये इसकी मदर को बहुत ही पसंद करता था। ये बोलता है कि जब मैंने तुम्हें देखा तुम्हारी मदर जैसी ही थी, तुम्हारी वॉइस परफेक्ट थी, तुम्हारा चेहरा भी उसकी तरह ही है, तुम बहुत ही अच्छी सिंगर थी पर तुम्हें चांस नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने जो मेन सिंगर थी उसको भी इंजोर कर दिया। डिरेक्टिव ने ही मेन सिंगर का एक्सीडेंट करवाया होता है। डिरेक्टिव बेटी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और उसका चेहरा खराब हो चुका है तो कहता है कि तुम्हें मुझे अब दिखने की जरूरत नहीं है। उसकी आँख पर वो पट्टी बांधता है। वो कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है।
वो बेटी को एक गन देता है। वो कहता है कि अब तुम्हें मुझे मारना है। वो एक जगह पर उसे पॉइंट करने के लिए बोलता है। वो सब जगह पर पेट्रोल डाल देता है, अपने आप को जलाने लग जाता है। बेटी भी उसे एक गन से शूट कर देती है। बेटी बंधी हुई होती है तो वो अपने आप को गन से ही छुड़वा लेती है। अब जो ये किलर था, सीरियल किलर था, जो डिटेक्टिव था, ये मर चुका है। बेटी अब रिलैक्स्ड है और प्रोड्यूसर के साथ एक नई फिल्म वो करने वाली है। ये फिल्म करने के लिए एक बहुत ही सीनरी भरी जगह पर वो आए हैं। यहाँ पर बेटी अपने रोल के लिए प्रिपेयर कर रही होती है और ये प्रोड्यूसर भी अपना काम कर रहा होता है। तभी न्यूज़ चल जाती है, डिटेक्टिव था ये फायर में नहीं मरा था। इन्हें जो बॉडी मिली थी ये एक पुतला था। वो वहां से जल्दी भाग सके इसलिए उसने ये सब किया था। बेटी इस रूम में नहीं होती, सिर्फ प्रोड्यूसर ये न्यूज़ सुनता है। प्रोड्यूसर को एक चिक सुनाई देती है। ये जब देखने के लिए जाता है तो उसकी जो मेड थी ये मर चुकी है। बेटी घर के बाहर ही होती है। प्रोड्यूसर उसे जल्दी से कहता है कि यहाँ से जल्दी तुम भाग जाओ, किलर अभी भी जिंदा है। प्रोड्यूसर भी इसके पीछे भाग ही रहा होता है। तभी प्रोड्यूसर की चीखें इसे सुनाई देती है। ये जो किलर था ये प्रोड्यूसर को मारने लग जाता है। बेटी को भी ये कैद कर कर रख सकता है, पर बेटी स्मार्ट होती है। बेटी को मालूम है कि इस किलर को सिर्फ बेटी का प्यार चाहिए। बेटी कहती है, तुम जो सब कर रहे हो ये मेरे लिए कर रहे हो, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जो तुम मेरे लिए कर रहे हो। ये फिर किलर के साथ आगे चलने लग जाती है। ये वहां पर दो वुल्फ देखती है। ये जो वुल्फ है ये पुलिस के ही वुल्फ होते हैं। ये इस किलर को ही ढूंढ रहे होते हैं। जब किलर डिस्ट्रैक्टेड होता है तो एक बड़ा सा पत्थर उठाती है, उसके सर में डाल देती है। ये किलर उसे मारने वाला होता है तो ये पुलिस वहां आ जाती है। पुलिस इसे बचा लेती है। पुलिस उससे पूछती है कि उससे तुम क्या बात कर रही थी। बेटी कहती है कि जो वो सुनना चाहता था यही मैं बोली थी। इसके बाद बेटी हमें फूलों को देखती हुई दिखती है। ये अपनी लाइफ के साथ अब आगे बढ़ सकती है। इसका करियर भी अब अच्छे से हो चुका है, तो इसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी अब है। जो सब हुआ है ये पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहती है। ये मूवी यही एंड हो जाती है। ये मूवी हॉरर, थ्रिलर, मिस्ट्री इन सब का कॉम्बिनेशन था। अगर आपको इस मूवी की मिस्ट्री पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी इस तरह की मूवी लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना भी मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।